हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता किनू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा फेशियल जो आप घर की चीजों से कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं दूध से फेशियल। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता पार्लर जाने का, या फिर बहुत सारे लोग बाहर का फेशियल पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने घर में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से फेशियल करना पसंद करती हूँ और वही फेशियल आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। ये हमारी स्किन पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो बाहर के फेशियल होते हैं। एक तो अगर हम छोटे पार्लर्स में जाएं तो वहां पे बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, तो इसलिए मैं पार्लर जाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर बहुत ज्यादा बड़े पार्लर्स में जाते हैं, हाइजीन मेंटेन होता है वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं फेशियल्स, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे महंगे फेशियल वहां जाके करवाना। और साथ ही जो मार्केट के फेशियल होते हैं उनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप अपने फेस पे केमिकल्स इतने अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन उस टाइम तो बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, पर धीरे धीरे आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी स्किन का ग्लो धीरे धीरे चला जाएगा। तो वो एक इंस्टेंट निखार होता है जो उस टाइम फेशियल से मिलता है, पर अगर आप अपने घर की चीजों से फेशियल करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपका जो ग्लो है वो हमेशा बना रहता है, आपके टाइम की बचत होती है, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे 10 से 15 मिनट, अगर जल्दी है और अगर टाइम है तो आधे घंटे में अपने घर पे कर सकते हैं। पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होते क्योंकि घर की चीजों से कर रहे हैं, बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। तो इस तरह के फेशियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, और इस फेशियल को मैं अपने ऊपर यूज करके दिखाऊंगी। हमेशा जो भी फेशियल मैं करती हूँ अपने ऊपर, वो मैं वीडियो में भी आपको अपने ऊपर करके दिखाती हूँ, उसका लाइव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं इस फेशियल को कैसे तैयार करते हैं, कैसे करते हैं और इसका रिजल्ट कैसा आता है। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज मेरा लाइक कर दीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और 3 चैनल और हैं मेरे, गीता किनू रेसिपीज, गीता किनू व्लॉग्स और गीता किनू ज्वेलरी डिजाइन, जो कि मेरे हस्बैंड का चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मेरी बेटी का चैनल है श्रेया वर्मा के नाम से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम कर रहे हैं दूध से फेशियल। दूध सबके घर में अवेलेबल होता है और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फेशियल हैं जो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं हमें या मुझे नहीं मिलते हैं, तो मैं इस तरह से दूध से फेशियल कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन्हें मलाई वाला दूध लेना, जिनकी ऑयली स्किन है वो डबल टोन दूध ले सकते हैं। तो आज हम किस तरह से फेशियल करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं तैयार क्लींजिंग मिल्क का। तो उसके लिए मैं 3 से 4 चम्मच ये दूध ले रही हूँ, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक सबके घर में अवेलेबल होता है, इजीली सबको मिल जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूँगी यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूध में। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्लींजिंग मिल्क घर पर तैयार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा ग्लो लेकर आता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस को, अच्छे से अंदर से पोर्स तक को क्लीन कर देता है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है वो हम बनाने वाले स्क्रब। तो उसके लिए भी मैं दूध ले लूँगी 2 से 3 चम्मच, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाली हूँ ये ओट्स का पाउडर। ओट्स मोस्टली घरों में मिलता है, नहीं मिलता आपको तो चावल ले लीजिएगा, चावल को मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लीजिएगा, वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ओट्स डाल दिया है, तो ये भी थोड़ा पतला लग रहा है मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी और थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया स्क्रबिंग का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो होता है फेस जेल, फेस मसाज क्रीम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फेस जेल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा दूध नहीं लेंगे नहीं तो पतला हो जाएगा। अब मैं इसमें शहद ऐड कर रही हूँ।
शहद आप जानते हैं एंटी बैक्टीरियल होता है और स्किन को अंदर से बहुत ही ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइज करता है, एकदम बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के आप फ़ायदे जानते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन आपका सब दूर हो जाएगा और स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। तो इसे मैं ऐड कर दूंगी, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से मिक्स होगा नहीं, तो इस तरह से एक जेल की तरह बन जाएगा थोड़ा सा, बस इसे हमें ऐसे ही यूज़ करना है। तो ये हमारा हो गया फेस जेल, थर्ड स्टेप था ये। अब हम तैयार करेंगे फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है फेस पैक। तो इसके लिए मैंने फिर से दूध ले लिया है, 3 से 4 चम्मच, यहाँ पे छोटे चम्मच से मैंने दूध लिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप जानते हैं कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकाल देगा और काफ़ी ग्लो लेकर आता है। अब मैं इसमें ऑरेंज पील पाउडर डाल रही हूँ, आप संतरे के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी उनका ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गुलाब की पत्तियों का पाउडर ऐड किया है, अगर आपके पिंपल्स हैं तो नीम का पाउडर ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीम की पत्तियों को सुखाकर पीसकर पाउडर बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी हम लोगों के घर में मिल जाता है, अगर चंदन है उसे घिस के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम भगवान जी को लगाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पाउडर है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, काफ़ी अच्छा ग्लो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस, तो ये मुझे अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर और ऐड कर रही हूँ। हमें थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है, जिस तरह का फेस पैक होता है उस तरह का तैयार करना है, ताकि बिल्कुल भी बहे नहीं फेस पे से, तो एकदम अच्छे से चिपक जाए। तो ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया, ये हमारे 4 स्टेप तैयार हो गए हैं। अब हम फेशियल करते हैं, किस तरह से करना है। सबसे पहले ये जो क्लींजिंग मिल्क बनाया था हमने, उससे अपने फेस को क्लीन करना है। कोशिश करें अपने फेस को वॉश कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई मेकअप ना लगा हो। तो फिलहाल मैंने अभी फेस को वॉश नहीं किया है, तो मैं इसे इस क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करने वाली हूँ। कॉटन को डिप करेंगे, रुई को डिप करके निचोड़ लेंगे हल्का सा, और इस तरह से अपने फेस को पूरा इसे क्लीन कर लेंगे। तो ये जितनी भी गंदगी होगी वो आपके फेस से निकाल देगा, काफ़ी अच्छे से आपको फेस आपके फेस को क्लीन कर देता है, काफ़ी अच्छा ग्लो भी लेकर आता है। तो इसे आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने फेस को क्लीन करना है। ये देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो की स्पीड तेज़ है तो इसलिए लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, पर हल्के हल्के हाथ से करना है। अब मैं दूसरी कॉटन लेके, दूसरी रुई लेके इसको सुखा लूँगी, तो अच्छे से मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी। आप देखेंगे काफ़ी गंदगी निकलती है इससे, काफ़ी अच्छे से ये फेस को साफ़ कर देता है। तो इस तरह से आपको पूरे फेस को साफ़ कर लेना है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा है स्क्रब, जो हमने स्क्रब बनाया था ओट्स से। ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है क्योंकि ओट्स होता है ना, वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है दूध को। तो इस तरह से हमें अपने फेस को रब करना है, जैसे हम स्क्रब करते हैं अपने फेस पे, उस तरह से करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर नहीं देना है नहीं तो फेस छिल जाएगा। तो हल्के हल्के हाथ से अपने फेस को स्क्रब करें। ये क्या करता है, आपके जितने भी पोर्स होंगे, जो रोम छिद्र होते हैं, उन्हें अंदर से डीपली क्लीन करता है, अंदर से गंदगी साफ करता है। तो जब अंदर से आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे तो आपका जो आप इस पर क्रीम लगाएंगे वो अंदर तक जाएगी और बहुत अच्छा असर करेगी। तो गंदगी निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, फेशियल का काम ही होता है सबसे पहले तो वो गंदगी निकालता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट इस स्क्रब को कर लिया है, अब मैं इसे वॉश कर दूँगी, खाली पानी से वॉश करना है, कोई साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ खाली पानी से आपको इसे धोना है, नॉर्मल पानी से। तो अब मैं फ़ेस धो के आती हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ेस को धो दिया और आप मेरा फ़ेस काफ़ी क्लियर देखिए नज़र आ रहा है, काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो इससे जितनी भी टैनिंग वगैरह होगी ना वो सारी आपकी निकल जाने वाली है, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, आपकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप करने वाले, जो हमने जेल बनाया था उस जेल से हमें मसाज करनी है। और कभी भी फेशियल करते टाइम अपने गर्दन को ना भूलें, गर्दन पे भी ज़रूर करें सेम स्टेप। अब मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी और ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लेते हुए आपको मसाज करनी है, ताकि आपके झुर्रियाँ ना पड़े, नीचे की तरफ करेंगे तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो इसलिए ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लेते हुए इस तरह से मसाज करें। और इस फेस जेल से कम 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है।
तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मैंने मसाज कर ली है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ़ेस वॉश करके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और आप काफ़ी देखिए मेरी स्किन जो टाइट नज़र आ रही है और काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है और ग्लो भी अच्छा आता जा रहा है। अब एक स्टेप हमारा और रह गया है फेस पैक का, जो लास्ट स्टेप है। तो अब हम फेस पैक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आपको स्ट्रोक्स देते हुए फेस पैक लगाना है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आपको स्ट्रोक्स देते हुए इस तरह से लगाएं फेस पैक। और ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप पूरा फेशियल नहीं करते हैं तो कभी कभी इस तरह से पैक बना के भी लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से पूरे फेस पे आप इस पैक को लगा लीजिए और अच्छे से सूखने दीजिए। जब ये सूख जाए तब आप अपने फेस को खाली पानी से वॉश कर दें। आप खुद ब खुद देखेंगे एक बार में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जब रेगुलर करेंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को धो दिया है और आप खुद मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं, कितना अच्छा ग्लो आया है और काफ़ी क्लियर लग रहा है मेरा फेस, ये देखिए। तो इसे आप यूज करिएगा और रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का ये फेशियल, था ना इंटरेस्टिंग? तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर लगता है ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशनल स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, डीआईवाई रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं, हॉल वीडियोस भी आती हैं, तो मेकअप वीडियोस भी आती हैं, बहुत कुछ आता है इस चैनल पे। और इस अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियोस देखने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही एक बेल होगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह कोई भी वीडियो आती है तो आप उसे मिस ना कर पाए। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।